हेलो फ्रेंड, टेक्निकल आईटी गाइड के अंदर आपका स्वागत है। आज हम जो है वो एक बड़ी चैट बोर्ड के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और इसको किस तरह से प्रोग्रामली बनाया जाता है। तो हम इस डेमो देखते हैं। एक डेमो बना रखा है जिसके अंदर आप जो है वो हिंदी, इंग्लिश और मारवाड़ी के अंदर जो है वो आप क्वेश्चन उनका नाम पूछेंगे। नाम पूछने के बाद में वो क्या क्या जवाब देते हैं इंटेलिजेंसी के रिगार्डिंग, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हिंदी में पूछता हूँ। आपका नेम क्या है? मेरा नेम मीरा है। And I ask her in English, what's your name? My name is Mira. What's about? She said, my name is Mira and what's about you? You. Then myself, Upendra Singh. Then I added myself and Spanish. You. Omera Noma Gar Okachi Achar Gal Night. My name is Ms. Mira. Ab ab bolte hain isko Marwari mein. थारो नेम ही है। मेरा नाम नोमा गार ओकोय आचार गल नो हाय। देन शी सेड मेरा नाम रोम रोम है चार काम है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रीडिंग वॉइस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन की है जो कि आपकी वॉइस कमांड के ऊपर जो है वो आपको अपना फीड देगी जो आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है। तो अब ये किस तरह बनाया जाता है वो हम जो है अभी इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इस तरह के वॉइस रिकॉग्निशन चैट बोर्ड को। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको सी शार्प या ये मैंने जैसे सी शार्प में बना रखा है वैसे जावा में बना सकते हैं, आप मेलखन में भी बना सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज अंदर इसके अंदर आप जो वॉइस रिकॉग्निशन चैट बोर्ड बना सकते हैं। आप सी शार्प बनाना चाहते हैं तो सी शार्प के अंदर आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नॉलेज वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप कोई एक sys.speech नाम से जो रेफरेंस फाइल होती है वो आपको यहाँ से राइट क्लिक पे और एड रेफरेंस जाके sys.speech नाम से जो है वो आप इसके अंदर ये फाइल ऐड करते हैं। और ये फाइल ऐड करके बाद में जो है वो जब भी sys.speech.recognize.synthesize ये दो स्पेस जो है वो ऐड करते हैं और ये नेम इस पे करने के बाद में स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इंजन स्पीच सिंथेसाइजर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिंथेसाइजर जो है वो आपको रीडिट करके दिखाएगा और रिकॉग्नाइजेशन आप जो वॉइस है वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो इनके दोनों के बनाने के बाद में आपका जो ऑडियो डिवाइस है जो माइक है उसका जो डिफॉल्ट ऑडियो डिवाइस है उसको सेट कर दो। सेट करने के बाद में चॉइस बनती है, चॉइस जो है वो कमांड के लिए बनाई जाती है। बाकी आप अगर देंगे तो जो वास्तव में इससे जो वॉइस सेंसेशन से चाहते हैं आउटपुट नहीं आएगा कि वॉइस रिकॉग्निशन के अंदर हर एक आदमी की फ्री वॉइस ऑफ से अलग होती है तो समझ नहीं पाता। इस चॉइस किस कमांड बनाई जाती है चैट बोर्ड की है कि उसके अंदर पूरे जो हैं वो ये कीवर्ड सेट कर रखे हैं और इन कीवर्ड के थ्रू ही जो है वो जो यहाँ लिख रखा है वो अगर आप बोलते हैं उससे मैच करता है तो वो रिगार्डिंग आपको वो फीडबैक देगा। तो ये चॉइस बना रखी है। ग्रामर बना सकते हैं। फिर जो है ये जो है यहाँ से आपको इसका ये मैंने इवेंट बना रखा है स्पीच के और इस इवेंट के साथ में ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन कॉल होने के बाद में रिजल्ट है इसका इवेंट का। जैसे अगर मैं उसको मारवाड़ी में पूछता हूँ तो ये जवाब देगा, अगर मैं इसको हिंदी में पूछ रहा हूँ तो ये जवाब देगा और अगर मैं इसको इंग्लिश में अगर पूछे व्हाट्स योर नेम तो मेरे को ये जवाब देगा और व्हाट्स अबाउट बोलूँगा तो मेरे को
गदर से ये अलग अलग कमांड जो है ना से बना सकते हैं क्योंकि इवेंट के अंदर ये आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कैन सब्सक्राइब माई चैनल और फर्दर।